तो मैं कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि आपको कम सामान में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी दे पाऊँ। तो आज की ऐसी माउथ मेल्ट, मुंह में घुल जाने वाली आज की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की मुँह में घुल जाने वाली रेसिपी शुरू करती हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड लेना है। तो चिया फ्रेंड्स, ये ब्रेड की रेसिपी है, तो ब्रेड लेना है। तो हमने 6 ब्रेड ले लिए हैं, ये बड़े वाले ब्रेड है। अगर छोटे वाले हैं आपके पास तो 8 ले सकते हैं। तो इन ब्रेड का हम ब्राउन पार्ट तो कट कर देंगे, क्योंकि हमें वाइट वाला पार्ट चाहिए। तो इस तरह से हमें साइड से कट कर देना है ब्राउन पार्ट, और इसका वाइट पार्ट निकाल लेना है। तो बस वही यूज़ करना है वाइट पार्ट। तो इस ब्राउन पार्ट को हम फेंकेंगे नहीं, दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो सभी हमें ब्रेड को इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सभी ब्रेड को हमने कट कर लिया है। उसके बाद तोड़ के इसे मिक्सी जार में ऐड करेंगे। तो हमें फाइन पाउडर बनाना है इसका, बिल्कुल भी दरदरा नहीं चाहिए, मोटे मोटे ब्रेड नहीं रहने चाहिए। अगर मोटे मोटे रह जाते हैं तो आप दोबारा इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसका ब्रेड का पाउडर चाहिए। तो अब इसे रखेंगे साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे एक भारी तले का पैन ले लें, और चौथाई कप हमें चीनी ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, इस चीनी का हमें कैरमलाइज करना है। तो इस तरह से फैला देंगे हाई फ्लेम पे, इसे मेल्ट होने देंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट होने लगी है। तो इसके बाद इसे चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है। तो हाई फ्लेम पे इस चीनी को हमें मेल्ट करना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद तुरंत ही हमें गैस को बंद कर देना है, और इस पैन को रखेंगे साइड में। अब दूसरी तरफ चल दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमें केक टिन लेना है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो इस तरह से बाउल तो होगा आपके पास, तो उसी में आज ये रेसिपी बनाएंगे। तो सभी चीनी को, मेल्ट हुई चीनी को इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसे चारों तरफ फैला देंगे। चीनी को हमें इसके तले में इस तरह से घुमा देना है, जो चीनी अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगी। उसके बाद इसे भी साइड में रख देंगे। तो अब चीनी जम जाएगी ठंडी होने के बाद। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमें एक कढ़ाई रखनी है। तो इसमें 1.5 कप दूध ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कप नहीं है तो 1.5 गिलास दूध ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 कप हमने दूध ऐड कर दिया। इस दूध में आने देंगे बॉयल। उससे पहले हमें इस दूध को थोड़ा सा निकाल लेना है। तो चौथाई कप हम दूध निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस दूध का क्या करना है हम बाद में बताएंगे। तो अब दूध में आने देंगे बॉयल, और यहीं पर ऐड करनी है हमें 1/2 कप चीनी। तो इस चीनी के साथ इस दूध में उबाल आने देंगे। जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो दूध निकाल के रखा था हमने, इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो क्या ऐड करना है। तो कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अगर आप कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं तो फ्लेवर के लिए आप इलायची ऐड कर सकते हैं। अगर वनीला एसेंस है तो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल कस्टर्ड पाउडर जैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है। जो कस्टर्ड हमने मिला के रखा था दूध में, उसे ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलाते हुए इसे फिर से उबाल आने देंगे। बस हमें दूध में उबाल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ दूध में उबाल आ गया है। अब जो हमने ब्रेड का पाउडर बना के रखा है, उसे 2-2 चम्मच ऐड करते हुए मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें आपको सभी एक ही बार में ऐड नहीं करना है। इस तरह से 2-2 चम्मच करेंगे ऐड, और मिलाते जाएंगे। अगर पूरा ब्रेड का पाउडर ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, जो तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर फिर भी आपके लम्स पड़ जाते हैं तो छन्नी से छान सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सभी ब्रेड क्रम इसमें ऐड कर दिया है, और कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इस तरह से गिरा के देख लें आप, इतनी ही थिकनेस चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर पतला होगा तब भी आपका ये मिठाई नहीं बन पाएगी। तो अब जो हमने कैरमल करके रखा था इस बाउल में, तो उसमें ऐड कर देंगे, और इसे स्पैचुला से इक्वल कर देंगे, इसे फ्लैट कर देंगे, और थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे जो भी इसमें एयर बनी होगी वो भी निकल जाएंगी। तो इस तरह से हिला देंगे थोड़ा ज़मीन पर। उसके बाद हमें इसे फॉइल पेपर से कवर कर देना है। इसी तरह से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से इसे कवर करना है, जिससे ये स्टीम करेंगे तो इसके अंदर स्टीम ना जा पाए, नहीं तो हमारी ये पुडिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो अब इसे भी रखेंगे साइड में। अब गैस के
एक कढ़ाई या भगोना ले लेंगे, तो उसमें 2 गिलास या 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसमें एक ढक्कन रख देंगे, और जब इसमें उबाल आ जाएगा इस पानी में, तो उसके बाद ही हमें इस बाउल को रखना है। तो पानी में बॉईल आ गया है, उसके बाद हमने ढक्कन रख दिया था इस तरह से। अगर आपके पास स्टैंड है तो उसे भी रख सकते हैं। उसके बाद बाउल रख देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। तो टोटल 30 मिनट के बाद हमने चेक किया है, अच्छे से हमारी पुडिंग बनके तैयार हो गई है। अब इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में हमें 3 घंटे के लिए रखना है फ्रेंड्स, इससे कम नहीं रखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रिज में रखने के बाद इसे निकाल लिया है, तो हमने 2 ही घंटे रखा था। तो हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको क्या होता है 2 घंटे में रखने से। तो इस तरह से इसे डीमोल्ड करेंगे, तो प्लेट लगाएंगे और एकदम से इसे पलट देंगे, तो थोड़ा सा टैप करेंगे और ये मिठाई हमारी पुडिंग डीमोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 घंटे के लिए रखा था, तो कैरमल जो चीनी का बनाया तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए अब फ्रेंड्स, हमने इसे डेकोरेट कर दिया है थोड़ा पुदीने की पत्ती से, जिससे दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब कट करके दिखाते हैं, इतनी टेस्टी और सॉफ्ट ये मिठाई बनी थी, ये पुडिंग। तो एक बार इस पुडिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।